हे गाइस, माय नेम इज़ अनुराधा। वेलकम टू आवर चैनल जीके गाइडेंस एंड नॉलेज। हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं मेरी जीके फैमिली? आई होप सभी अच्छे होंगे। अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। आज कोई खास डे नहीं है तो हम सीधा ही क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने कल आपसे पूछा था। योगा जोग, ये रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला, ये क्या है? ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या फिर ये न्यूली फाउंडेड एक एक्सोप्लैनेट है जो पाया गया है, या क्रिप्टो करेंसी है, फिर इनमें से कोई नहीं? हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ये बांग्लादेश से रिलेटेड है। ये फेसबुक का ही अल्टरनेटिव बना रहे हैं और ये ICT मिनिस्टर हैं। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। बांग्लादेश गवर्नमेंट काम कर रही है डेवलप करने में एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसका नाम दिया गया है जोगा जोग, जो कि फेसबुक का अल्टरनेटिव होगा। और गवर्नमेंट इसी के साथ साथ एक व्हाट्सएप का भी अल्टरनेटिव बनाने की कोशिश कर रही है जिसका नाम दिया गया है अलापन। ये इनिशिएटिव ICT मिनिस्ट्री का है ताकि सेल्फ रिलायंट बनाया जा सके बांग्लादेश को। ये प्लेटफॉर्म हेल्प करेगा लोकल और एंटरप्रेन्योर्स को ताकि वो क्रिएट कर सकें उनके खुद के मार्केट प्लेस और शेयर कर सकें इन्फॉर्मेशन को, डेटा को, अपने खुद के प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके, ना कि फॉरेन प्लेटफॉर्म का यूज़ करें। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम है एक बायोटेक, उसके अंदर 100 से उसकी कैपेसिटी है कि 100% को एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है। उसे 100 से 300% करने की कोशिश की जा रही है। सुरोखा ऐप है वो रजिस्ट्रेशन के लिए बनाई गई है। इसके अंदर इसका सक्सेसफुली यूज़ किया जा रहा है बांग्लादेश के अंदर वैक्सीनेशन के लिए। फिर महाराज का पहला क्वेश्चन है, कंसीडर करना इन सभी स्टेटमेंट को इसरो का जो मर्चेंडाइज प्रोग्राम है उसके रिलेटेड। पहली स्टेटमेंट है, इसके अंदर कोई भी इंटरेस्टेड इंडिविजुअल है वो एबल है, वो परचेज कर सकता है जो इसरो के ऑथराइज प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि जो कि कनेक्टेड है किससे? ऑर्गेनाइजेशन के काफ़ी सारे स्पेस मिशन से और ऑर्गेनाइजेशन के काम से। इनके प्राइजेस हैं वो रीजनेबल होंगे बिकॉज इसरो है वो अपनी ब्रांड वैल्यू के कोई भी चार्जेस नहीं ले रहा है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों, या फिर दोनों में से कोई नहीं? तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। इसरो है उसने मर्चेंडाइज प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसमें कस्टमाइज स्पेस थीम को यूज़ किया गया है टेक ऑफ करने के लिए। जो पार्टनरशिप है वो मल्टीपल कंपनीज के साथ में। इसके अंदर रिसेंटली 8 कंपनीज हैं वो जुड़ी हैं। इसके अंदर कोई भी इंटरेस्टेड व्यक्ति है वो एबल है कि वो परचेज कर सकता है किसी भी इसरो के ऑथराइज्ड प्रोडक्ट को, जैसे कि उसकी टी शर्ट्स हैं, स्केल मॉडल्स हैं, स्केल स्पेस थीम्ड जो एजुकेशनल गेम्स हैं, मग्स हैं, साइंस टॉयज हैं। उनके अंदर इसरो है वो शेयर करेगा जनरल एग्रीमेंट, ड्राइंग, थीम्स, इमेजेस और बाकी सारे डिज़ाइंस हैं वो भी, जो कि हेल्प करेंगे रजिस्टर्ड कंपनीज को लॉन्च करने में मर्चेंडाइज। इसके अंदर कैटलॉग्स हैं वो इसरो द्वारा अपडेट किए जाएंगे टाइम टू टाइम, और ये हेल्प करेगा अवेलेबल करवाने के लिए कंपनीज को जो कि 2D ड्राइंग्स और 3D मॉडल्स चाहते हैं क्रिएट करने के लिए वेरियस काफ़ी सारे मर्चेंडाइज को, ताकि इंश्योर किया जा सके एक्यूरेसी और इंटेलेक्ट को। अगला क्वेश्चन है, रुद्र स्वामी टेम्पल, ये रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला है। ये लोकेटेड है केरला, तेलंगाना, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, ये तेलंगाना के अंदर लोकेटेड है। आगे देख लेते हैं इसके बारे में। रुद्र स्वामी टेम्पल है, ये लोकेटेड है पालमपेट मंगलूर डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना के अंदर, जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर शामिल कर दिया गया है। इसे 1213 AD के अंदर बनाया गया था, किसके रूल के दौरान? जो काकतिया एम्पायर है। और ये टेम्पल ये बनाया गया था काकतिया के किंग जो गणपति देवा थे, जनरल थे रिचार्ला रुद्रा, इन्होंने इसे बनाया था। रामलिंगेश्वर स्वामी वो यहाँ पे देवता के रूप में पूजा जाते हैं। ये टेम्पल है, ये इसे इस टेम्पल को रामपा टेम्पल भी बुलाया जाता है, और ये नेम दिया गया था। इसके अंदर एक स्क्रिप्चर थे जिन्होंने अपने 40 ईयर्स अपनी लाइफ के यहाँ पे काम करके गुजार दिए, तो उनके नाम पे भी इसको जाना जाता है। और इस ये मंदिर है इसकी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक टेक्नोलॉजीज के थ्रू बनाया गया है और इसको अलग अलग तरीके से डेकोरेट किया गया है, तो इस वजह से भी ये फेमस है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, सभी स्टेटमेंट को हमें कंसिडर करना है किसके रेफरेंस में? नोरो वायरस के रेफरेंस में। नोरो वायरस को और भी अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि फूड पॉइजनिंग है, स्टोमच फ्लू है या फिर स्टोमच बग है। नोरो वायरस है वो इलनेस क्रिएट करता है फ्लू की वजह से, जो कि इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होती है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हमें बताना? फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं? तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा फर्स्ट ओनली, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट वो इनकरेक्ट है, इसका फ्लू से कोई भी लेना देना नहीं है। इसके बारे में जान लेते हैं। नोरो वायरस एक ये कॉन्टेजियस वायरस है जिसकी वजह से वॉमिटिंग और डायरिया देखने को मिलता है, और इसकी वजह से कोई भी बीमार पड़ सकता है। ये कैसे कैसे फैल सकता है? अगर हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं इन्फेक्टेड पर्सन के, या फिर हम कंज्यूम कर लेते हैं कंटेमिनेटेड फूड और वाटर को, या फिर हम टच करते हैं कंटेमिनेटेड सरफेस को, अपने हाथों को बिना वॉश किए अपने फेस पर लगा लेते हैं। अगला क्वेश्चन है,
इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने जो कि एक्टिवेट करनी जा रही है क्लियर न्यूक्लियर रिएक्टर, जो कि रन किया जाएगा, जो कि चलेगा किसके ऊपर, लिक्विड थोरियम के ऊपर, ना कि यूरेनियम के ऊपर। तो हमारा आंसर, हमारे ऑप्शन क्या है, अमेरिका, फ्रांस, जापान, चाइना। तुम्हारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा चाइना। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। चाइनीज गवर्नमेंट के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक प्लान को अनवील किया है जिसके अंदर वो काम करेंगे एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर, जो कि यूज़ करेगा वाटर को कूलिंग करने के लिए। और ये रिएक्टर है वो किसके ऊपर चलाया जाएगा, ये लिक्विड थोरियम के ऊपर चलाया जाएगा, ना कि यूरेनियम के ऊपर। अंदर आशंका लगाई जा रही है कि ये सेफ होगा किससे, जो ट्रेडिशनल रिएक्टर्स होते हैं जिनको हम यूरेनियम यूज़ करके बनाते हैं। मेल्टन सोल्ट जब एक्सपोज होगा एयर के अंदर तो वो अपने आप कूल हो जाएगा और सॉलिडिफाई हो जाएगा जल्दी से जल्दी, और इसकी वजह से अगर इसका लीक भी होता है, इसका लीक या फिर स्पिल होता है, तो वो उसकी वजह से बहुत ही कम रेडिएशन देखने की मिलेगी इन्वायरमेंट के अंदर, अगर हम कंपेयर करते हैं ट्रेडिशनल रिएक्टर्स को। थोरियम रेडियो एक्टिव और सिल्वरी मेटल है, जो कि जिसका नाम दिया गया था नॉर्स के जो गॉड थे थंडर थोर, उनके नाम के ऊपर। ये यूरेनियम के कंपेयर में ज़्यादा अबाउंडेंट और चीप है, इसे हम इजीली यूज़ नहीं कर सकते क्रिएट करने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स। और ये किस, और न्यूक्लियर रिएक्टर ये जो क्लीन एनर्जी का बनाया जा रहा है ये किसके अंदर बनाया जा रहा है, जो चाइना का टारगेट रखा गया है जीरो कार्बन एमिशन का 2060 के लिए, उसके अंदर इसके ऊपर काम किया जा रहा है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, मिशन ड्राइव चलाने के लिए इनमें से कौन सी फोर्स ने अडॉप्ट किया है पूरी लोकेलिटी को, किसकी, चेरापूंजी की। तो हमारे ऑप्शन है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सशस्त्र सीमा बल, या फिर असम राइफल्स, या फिर इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा असम राइफल्स। इसको देख लेते हैं, ग्रीन सोहरा फॉरेस्टेशन कैंपेन चलाया गया है सोहरा के अंदर। ये डायरेक्टली आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सोहरा किस जगह को बुलाया जाता है, तो ये चेरापूंजी को बुलाया जाता है। ये लॉन्च की गई है किसके द्वारा, होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा, और इन्होंने इनॉग्रेट भी किया है ग्रीन सोहरा वाटर सप्लाई स्कीम को, और इसका स्लोगन दिया गया है एवरग्रीन नॉर्थ ईस्ट। ये कैंपेन है, इसकी हाईलाइट क्या है, क्योंकि इसके अंदर इंपॉर्टेंस क्या रखी गई है कि इसके अंदर जो ट्री प्लांटेशन की जाएगी और एफॉरेस्टेशन किया जाएगा। ये कैंपेन है ये आसाम राइफल्स के द्वारा और मेघालय के द्वारा की जाएगी। इसके अंदर प्लांटेशन ड्राइव चलाई जाएगी। आसाम राइफल है उन्होंने लोकेलिटी की जो पूरी है चेरापूंजी की उसको अडॉप्ट कर लिया है, और 80% एरिया के अंदर जो टोटल लैंड का एरिया है उस रीजन के अंदर क्या किया जाएगा, प्रिपेयर किया जा रहा है, वहाँ पे प्लांटेशन किया जाएगा जो लंबे समय तक जीवित रहने वाले ट्रीज हैं, और बाकी एरिया के अंदर नर्सरीज लगाई जाएंगी, ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाए जाएंगे, और एनिमल फीड भी करवाया जाएगा। और इसकी वजह से क्या बेनिफिट मिलेगा, इको टूरिज्म बढ़ेगा इस स्टेट के अंदर, और लोकल्स को आपको समझ सकते हैं कि फ़ायदा होगा ही। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पैरामिलिट्री फोर्स है जिसने साइन किया है MOU किसके साथ में, सीडेक, ताकि मेंटेन किया जा सके, ताकि ट्रेन किया जा सके मैन पावर को फोर्स की एडवांस टेक्नोलॉजीज के अंदर। हमारे ऑप्शन हैं CRPF, CISF, ITBP, BSF। आप अगर इनको जानते हैं तो आप इजीली बता सकते हैं, तो अगर आपको इनका नाम पता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा CRPF। देख लेते हैं इसके बारे में, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसने MOU साइन किया है सीडेक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इसके अंदर ट्रेन किया जाएगा मैन पावर को फोर्स की, जिसके अंदर एडवांस टेक्नोलॉजीज के बारे में बताया जाएगा, या जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स और साइबर सिक्योरिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी सिखाएगा। एग्रीमेंट के अंदर प्रोवाइड करवाई जाएंगी एक्सपर्टीज, काम करेगा एक टेक्नोलॉजी पार्टनर और नॉलेज पार्टनर के रूप में, और डेवलप करेगा वेरियस ICT सॉल्यूशंस CRPF के लिए। और ये MOU है वो प्रोवाइड करवाएगा CRPF के जो पर्सनल है उनको कस्टमाइज्ड एडवांस कोर्स के अंदर अलाइड किया जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंट को किसके रेफरेंस में, वर्ल्ड एग्रीकल्चर ट्रेड रिपोर्ट के बारे में बताना है। इसे पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और इसके अंदर जो इंडिया है वो टॉप 10 की लिस्ट में आ गए हैं 2019 की लिस्ट के अंदर। इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है हमें बताना है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों, या फिर दोनों में से कोई नहीं। तुम्हारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। फिर इसके बारे में देख लेते हैं, इंडिया है वो एंटर कर चुका है टॉप 10 की लिस्ट के अंदर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के एक्सपोर्ट के अंदर 2019 की जो लिस्ट है उसके अंदर, और इसके अंदर सिग्निफिकेंट शेयर देखने को मिला है चावल का, सोयाबीन का, कपास का और मीट का। इस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट में पिछले 25 साल के ट्रेंड को दिखाया गया है, इसके अंदर इंडिया की रैंक 2019 के अंदर 9th रही है, और हमारा जो 3.1% जो ग्लोबल शेयर है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स के अंदर वो देखने को मिला है। जो 9th रैंक है उसमें पहले न्यूजीलैंड था, फिर इसी तरह मैक्सिको है वो 7th प्लेस पे आ गया है 3.4% के साथ में ग्लोबल एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट में, और इसके अंदर पहले, जहाँ पे पहले मलेशिया था, और इसके इंडिया ने 8th रैंक हासिल की है 4% के साथ में ग्लोबल ट्रेड के अंदर मीट और इडेबल मीट के जो ऑफल हैं उस कैटेगरी के अंदर। अगर यूएसए की बात करें तो यूएस ने
टॉप किया है इस लिस्ट के अंदर 1995 के अंदर, तब उसका शेयर था 22.2%, लेकिन इसे ओवरटेक कर लिया गया है यूरोपियन यूनियन के द्वारा 2019 के अंदर 16.1% शेयर के साथ में। ब्राज़ील ने अपनी रैंक का उसको मेंटेन किया हुआ है, ब्राज़ील है वो थर्ड एक्सपोर्टर बना हुआ है और इसके अंदर इंक्रीज़ किया है उसने अपना शेयर 4.8% से, जो कि 1995 के अंदर था, और 2019 के अंदर ये 7.8% हो गया है। चाइना है उसने लंबी छलांग लगाई है, वो 6th से 4th पोजीशन पे आ गया है 2019 के अंदर, ये 5.4% रहा है, जबकि ये 1995 के अंदर 4% था। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंट को PDS 70 की रिस्पेक्ट के अंदर। ये एक डेडिकेटेड पोर्टल है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंडिया के अंदर। फिर दूसरी स्टेटमेंट है लाइट ईयर, ये डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस की लेंथ है वो ट्रेवल करती है पूरे साल के अंदर अबाउट 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हमें बताना है, फर्स्ट ओनली, सेकेंड ओनली, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। अगर आप इन दोनों स्टेटमेंट को देखें तो इनके अंदर कहीं से भी कोई भी तालमेल नहीं है, और पिक्चर को देखकर तो आपको समझ ही जाना चाहिए कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सेकेंड, बी ओनली। इसके बारे में देख लेते हैं, साइंटिस्ट हैं उन्होंने पहली बार स्पॉट किया है मून फॉर्मिंग रीजन को हमारे जो प्लैनेट के बाहर, प्लैनेट के चारों तरफ सोलर सिस्टम के अंदर, जैसे कि जुपिटर है जो वर्ल्ड को सराउंड कर लिया गया है इसको गैस और डस्ट के द्वारा, और जिसका एरिया 3 मून के बराबर हो सकता है। रिसर्चर्स ने यूज़ किया है ALMA ऑब्जर्वेटरी को चिले अटकामा डेजर्ट के अंदर, ताकि डिटेक्ट किया जा सके डिस्क ऑफ स्वेलिंग मटेरियल्स को, जो कि 2 नए एग्जोप्लैनेट्स के अराउंड देखने को मिला है, जो कि यंगर बुलाए गए हैं, और ये इनका नाम दिया गया है PDS 70, जो कि लोकेटेड है अर्थ से 370 लाइट ईयर दूर है। अब तक 4400 से भी ज़्यादा प्लैनेट्स हैं वो डिस्कवर किए जा चुके हैं हमारे सोलर सिस्टम के बाहर, जिन्हें हम एग्जोप्लैनेट बुलाते हैं। जो भी अब तक पाए गए थे वो सभी मैच्योर थे, फुल्ली डेवलप्ड थे सोलर सिस्टम के अंदर, लेकिन जी ये 2 नए पाए गए हैं वो इन्फेंट हैं। PDS 70 का कलर ऑरेंज देखने को मिला है, और रफली इसका मास लगाया गया है कि हमारे सन के बराबर है ये, और ये 5 मिलियन ईयर ओल्ड हैं, और ये दोनों ही प्लैनेट हैं वो यंगर माने गए हैं बाकी सभी से। दोनों ही प्लैनेट हैं वो सिमिलर हैं जुपिटर के, जो कि एक गैस जायंट है, हालांकि इनका जो साइज़ है वो लार्ज है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, 2019 के अंदर वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसे हम इन शॉर्ट वाडा बुलाते हैं, उन्होंने एक कंट्री को बैन कर दिया था 4 साल के लिए कम्पीट करने के लिए इंटरनेशनल इवेंट्स के अंदर, जिसके अंदर टोक्यो ओलंपिक और फीफा वर्ल्ड कप 2022 के भी इंक्लूडेड हैं। हमारे ऑप्शन हैं रशिया, चाइना, बुल्गेरिया, बेल्जियम। तुम्हारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ए, रशिया के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं ये रशिया है, इसके पास में जापान भी है, मंगोलिया है, चाइना, कजाकिस्तान है, यूक्रेन है, फिनलैंड है। यूक्रेन का एक पार्ट था क्रीमिया, जिसको हथिया लिया था रशिया ने, जिसकी वजह से उसे G8 कंट्रीज़ के अंदर से बाहर निकाल दिया गया था, इसको भी ध्यान में रखिए। इसके बारे में और जान लेते हैं, अगर हिस्टोरिकली रशिया के बारे में बात करें तो रशिया टॉप में रहा है स्पोर्ट्स के अंदर। अगर 2020 टोक्यो ओलंपिक के बारे में बात करें तो 335 स्पोर्ट्स पर्सन रशिया से भाग लेने वाले हैं इसके अंदर, लेकिन ना वो रशिया कंट्री का नाम यूज़ कर सकते हैं, ना फ्लैग यूज़ कर सकते हैं, ना एंथम यूज़ कर सकते हैं। ये एथलीट्स भाग लेंगे किसके नाम के अंदर, रशियन ओलंपिक कमेटी के नाम पर। इसे बैन कर दिया गया था 2019 के अंदर टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर, इसे 2019 के अंदर वाडा के द्वारा बैन कर दिया गया था। ये बैन है, ये आउटराइट नहीं करता है 335 एथलीट्स को, क्योंकि उनको अभी भी खेलने दिया जा रहा है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला है आइस टीम, इसके बारे में बताना है ये इनिशिएटिव क्या है। इसके बारे में और पढ़ना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे अगर PDF के अंदर, तो आप इजीली इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाएंगे। ये लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी PDF के अंदर, तो आप आसानी से उसको देख सकते हैं। तो हमारे ऑप्शन हैं इसरो, DRDO, CSIR या फिर PSA। तुम्हारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा डी, ये PSA के अंदर काम करेंगे। टीम प्रोजेक्ट को 5 साल के लिए एक्सटेंशन मिल गई है, ये 2026 तक रहेगा अब, जो कि इसका सेकेंड फेज माना जा रहा है। इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज़ मैप आइस टीम की फुल फॉर्म है। ये नेशनल पोर्टल है जो कि शेयर करेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज़, जो कि फॉर्मली लॉन्च की गई थी जनवरी 2020 के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। आइस टीम ये एक इनिशिएटिव है ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र का, जिसे हम PSA बुलाते हैं इन शॉर्ट, और ये प्राइम मिनिस्टर की जो साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल है उसका मिशन है। और इसका मेन आइस टीम का मेन गोल रखा है स्ट्रेंथन करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम के अंदर कंट्री के अंदर, जिसके अंदर कनेक्ट किया जाएगा रिसर्चर्स और रिसोर्सेज को। और इसका पार्ट है प्रमोट करने के लिए टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक इक्विपमेंट, जिसको इंडिजिनियसली बनाया जाएगा और प्रोवाइड करवाई जाएगी नेसेसरी सप्लाईज और सपोर्ट
रिसर्चर्स को, ताकि वो इनेबल कर पाएँ, एक्सेस कर पाएँ एग्जिस्टिंग जो पब्लिकली फंडेड और रिसर्च डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ हैं उनको थ्रू आईस्टीम वेब पोर्टल के थ्रू। इसका फेज़ टू अब शुरू हो किया गया है, जिसके अंदर पोर्टल है वो होस्ट करेगा इंडिजिनियस टेक्नोलॉजीज़ को, प्रोड्यूस को, जिस जो कि लिस्ट की गई हैं डिजिटल कैटलॉग के द्वारा। और ये पोर्टल है ये प्रोवाइड करवाएगा प्लेटफॉर्म वेरियस सिटीज़ को, सिटी नॉलेज और इनोवेशन क्लस्टर को। फिर ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है, इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है कि इसके रेफरेंस में पीएम केयर चिल्ड्रन स्कीम के बारे में बताना है। इस स्कीम का एम रखा गया है ताकि कॉम्प्रिहेंसिव केयर प्रोवाइड की जा सके और प्रोटेक्शन किया जा सके चिल्ड्रंस का, जिन्होंने अपने पेरेंट्स को दिए हैं कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे। फिर दूसरी स्टेटमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है वेब बेस्ड पोर्टल pmcaresforchildrens.in, ताकि एलिजिबल चिल्ड्रंस को सपोर्ट किया जाए। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हमें बताएं।